हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जल प्रदूषण के बचाव तथा रोकथाम संबंधी नियम 1974 की व्याख्या करेंगे। तो दोस्तों, जल प्रदूषण अधिनियम 1974 द वाटर एमिटेंट एक्ट 1974, इस कानून के अंतर्गत पेयजल की सुरक्षितता का संरक्षण तथा प्रदूषण को रोकना एवं नियंत्रण पर विशेष रूप से बल दिया गया है। इस अधिनियम में के अंतर्गत जल स्रोतों में होने वाले प्रदूषणकारी तत्वों पर निगरानी रखना, उनको खोजना और उन्हें दूर करने के उपाय निकालना तथा उद्योगों व नगर पालिकाओं से उत्सर्जित प्रदूषित जल को छोड़ने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करना, यदि प्रावधान वर्णित है तो इस अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया है। पहला, यह अधिनियम जल प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए बनाया गया है। इसके माध्यम से बोर्डों का गठन किया गया है जो जल प्रदूषण की रोकथाम व नियंत्रण करते हैं। अधिनियम द्वारा बोर्डों का अधिकार एवं कर्तव्य प्रदत्त किए गए हैं। प्रदूषण से तात्पर्य जल का अशुद्धिकरण अथवा इसमें भौतिक, रासायनिक एवं जैव विज्ञानी परिवर्तन करना अथवा सीवेज या कोई अन्य औद्योगिक उत्सर्ग जो कि सर्वसाधारण के लिए जल का को हानिकारक अथवा किसी निजी व्यवसायी औद्योगिक कृषि या अन्य किसी न्याय संगत कार्य के लिए आयोग या पशु पक्षी अथवा जलीय वनस्पति के लिए आयोग कर दें। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में एक पूर्णकालिक सभापति, 5 नामित अधिकारी, 5 नामित प्रांतीय बोर्ड अधिकारी और 3 नामित गैर सरकारी व्यक्ति, 2 नामित औद्योगिक इकाई अधिकारी तथा पूर्णकालिक सचिव होगा। प्रांतीय बोर्ड में एक पूर्णकालिक सभापति, 5 प्रांतीय सरकार समेत नामित अधिकारी, 5 प्रांतीय सरकार का स्वात तेधारी संस्थाओं से नामित व्यक्ति, 3 नामित गैर सरकारी व्यक्ति, औद्योगिक इकाइयों के नामित व्यक्ति तथा पूर्णकालिक सचिव होगा। नेक्स्ट, सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का है। बोर्ड की मीटिंग 3 महीने में कम से कम एक बार होगी। बोर्ड विषयों, कार्य, विशेष कार्यों के लिए कमेटी बना सकता है जिसमें बोर्ड तथा बाह्य दोनों प्रकार के व्यक्ति सदस्य हो सकते हैं। केंद्रीय बोर्ड के कार्य, पहला, केंद्रीय सरकार को जल प्रदूषण संबंधी सलाह देना, दूसरा, जल प्रदूषण विशेषज्ञों की ट्रेनिंग, तीसरा, जल प्रदूषण को रोकने हेतु राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम चलाना, चौथा, संबंधित तकनीकी व सांख्यिकी सूचना एकत्र, एकीकृत एवं प्रकाशित करना। प्रांतीय बोर्डों के कार्यों का एकीकरण, प्रांतीय बोर्डों का जल प्रदूषण जाँच और शोध कार्य में सहायता प्रदान करना, जल प्रदूषण संबंधित जानकारी संचार माध्यमों द्वारा जनसाधारण को प्रदान करना।